such kind of celebrations in the Congress office whenever elections, it's a result day. And what we are seeing here is that celebration. Congress office is actually in a celebration mood. मैं कह रही हूँ कि जब आप ऐसे लोगों को चुनते हैं, ऐसी सरकारें चुनते हैं, जो भूल जाते हैं कि आपकी समस्याओं का सुख सुलझाना उनका कर्तव्य है, उनका धर्म है। बंदे, बंदे। और इनको मालूम है कि जैसे ही धर्म की बात कर ली, जाति की बात कर ली, कोई ऐसी बात उठा ली जिससे आपका दिल जुड़ा है, तो इनको काम करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। आज मुझे इसलिए पहचानते हैं क्योंकि मेरी दादी इंदिरा गांधी ने आपका विश्वास नहीं तोड़ा। लेकिन 3.5 सालों से जो सरकार कर्नाटका में आई है, उसने हर स्तर पर आपका विश्वास तोड़ा है। देखिए, मैं तो बहुत बड़ा क्रेडिट जो है भारत जोड़ो यात्रा का देना चाहता हूं, और यात्रा जहां जहां गई है आप देखिए कि उसका रिजल्ट जो आगे इलेक्शन में आने वाला है। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस पार्टी। उन्होंने झूठे प्रचार किए कि सिर्फ मुसलमानों के लिए कांग्रेस काम करना चाहती है, सारे हथकंडे अपनाए, लेकिन तमाम लोगों ने मिलकर, हर जाति और धर्म के लोगों ने, कन्नड़ ने, जितने थे कन्नड़ा ने, उन्होंने कांग्रेस को जिता करके बड़ी मार्जिन से जिता कर भेजा है। कर्नाटक की जनता ने इस इलेक्शन में साबित कर दिया कि वो अब जो है क्षेत्रीय पार्टियों को अहमियत देने के मूड में नहीं है, जो वोट तोड़ने का, वोट काटने का काम करती है। जनता ने करारा जवाब मोदी, अमित शाह और सबको दिया है। अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज NSIT एजुकेशन सेंटर में साल 2023-24 के लिए 10th और 12th के एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। NSIT भिवंडी की पहली ऐसी क्लासेस है जहां स्टूडेंट्स को थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल पढ़ाया जाता है, जिसका नतीजा ये था कि पिछले साल 12th के रिजल्ट्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में टॉप किया था। NSIT क्लासेस में बोर्ड की आंसर शीट पर बच्चों को प्रैक्टिस कराई जाती है जिनसे उनका डर दूर हो। बच्चों की सेफ्टी के लिए हर जगह CCTV कैमरा और अटेंडेंस के लिए बायोमेट्रिक्स इंस्टॉल है। साथ ही यहाँ कंप्यूटर कोर्सेज भी है और NSIT की कोई दूसरी ब्रांच नहीं। NSIT एजुकेशन सेंटर, अबव एक्सिस बैंक ATM, नियर असरार होटल, दरगाह रोड, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस ऑफ सभी का स्वागत है। फिलहाल हम आए हैं भिवंडी के कांग्रेस ऑफिस में, यहाँ पर सेलिब्रेशन चालू है। सेलिब्रेशन इस बात का है कि कर्नाटक के रिजल्ट्स आ चुके हैं, इलेक्शन के रिजल्ट्स आ चुके हैं, और यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने जो है मेजोरिटी हासिल की। मेजोरिटी के साथ साथ में हम कहेंगे कि ठीक, कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पे मेजोरिटी हासिल की है, और ये देखा जा रहा है कि उस बात का जश्न यहाँ भिवंडी शहर में भी मनाया जा रहा है, और जहाँ जहाँ पे कांग्रेस पार्टी का ज्यादा वर्चस्व है वहाँ पे जो है इस बात का जश्न मनाया जा रहा है कि एक स्टेट जो है कांग्रेस पार्टी के झोली में आ गया है, और इस वजह से जो है काफी उत्साह यहाँ पे भिवंडी शहर में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे भिवंडी शहर के तमाम पदाधिकारी जो है जमा हुए, कांग्रेस के पदाधिकारी जमा हुए हैं कांग्रेस कार्यालय के नीचे। तो देखते हैं क्या इनका सेलिब्रेशन है, और बात करेंगे हम कि क्या किस तरह की जीत रही केरला। लोगों की जो खुशी है, जो सेलिब्रेशन है, इसकी वजह क्या है? देखिए, कांग्रेस पार्टी की कर्नाटक स्टेट में जबरदस्त कामयाबी पर यहाँ सेलिब्रेशन चल रहा है। पूरे देश में नफरत का बाजार बंद करने का और मोहब्बत की दुकान खोलने का काम जो है कर्नाटक से शुरू हुआ है। इसके लिए मैं कर्नाटक की आवाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं, जिन्होंने सबसे ज़्यादा समय अपनी यात्रा में कर्नाटक में दिया था,
और कर्नाटक के आवाम ने उसका जवाब आज दे दिया है। राहुल गांधी को मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को मुबारकबाद देना चाहूँगा, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के सभी बड़े लीडरान का, और सबसे बढ़कर कर्नाटक की जनता को मुबारकबाद पेश करूँगा कि उन्होंने जो है किसी भी नफरत की बात को नहीं स्वीकारते हुए जो है जो कोई भी नफरत की बात जो करेगा चाहे वो पार्टी हो या ग्रुप हो उन सबको नकार के उन्होंने जो है राहुल गांधी का जो संदेश जो था मोहब्बत की दुकान खोलने का उसको उन्होंने कबूल किया और कांग्रेस को जबरदस्त कामयाबी दिलाई। इस जीत पर भारत जोड़ो यात्रा का कितनी भूमिका थी, मतलब भारत जोड़ो देखिए क्या असर रहा? देखिए मैं तो बहुत बड़ा क्रेडिट जो है भारत जोड़ो यात्रा का देना चाहता हूँ, और यात्रा जहाँ जहाँ गई है आप देखिए कि उसका रिजल्ट जो आगे इलेक्शन में आने वाला है, आप अगर बारीकी से के साथ ये रिजल्ट अगर देखेंगे, मैंने बहुत बारीकी से साथ क्षेत्र वाइज में देखा कर्नाटक का, आपका जो है महाराष्ट्र को लगा हुआ जो इलाका है बेलगाम वगैरह, हाँ। बेलगाम है उसके आसपास के जो इलाके हैं जहाँ तकरीबन जो है 50-55 सीट है, उन सीट में तकरीबन बीजेपी के डबल सीट जो है कांग्रेस की आई, तकरीबन मैं समझता हूँ कि 35 सीट कांग्रेस की यहाँ से आई है, बीजेपी की मेरे ख्याल में 12 या 15 के आसपास है। इसी तरह हैदराबाद, तेलंगाना का जो इलाका जो कर्नाटक में अलग अलग क्षेत्र अलग अलग नाम से जाना जाता है, हैदराबाद क्षेत्र जो माना जाता है वहाँ आप देखिए कि बीजेपी से डबल सीट जो है कांग्रेस लेके आई है। आप पुराना मैसूर शहर देख लीजिए जहाँ मुस्लिम एक बड़ी अक्सरियत में है, ओबीसी की बड़ी अक्सरियत है, वहाँ पर जो है बीजेपी को 5 सीट पर सिमटना पड़ा, जबकि इससे पहले वाले इलेक्शन में जेडीएस आई थी। आपने देखा, मैं जेडीएस का नाम इसके लिए ले रहा हूँ कि इस इलेक्शन की एक अहम बात जो है कर्नाटक की जनता ने इस इलेक्शन में साबित कर दिया कि वो अब जो है क्षेत्रीय पार्टियों को अहमियत देने के मूड में नहीं है, जो वोट तोड़ने का वोट काटने का काम करती है। जेडीएस इससे पहले पुराने मैसूर में तकरीबन 36-40 सीट लेके आई थी, वो 26 सीट लेके आई थी, और आज जो है वो बहुत कम सीट के ऊपर सिमट के रह गई है। तो बोलना यह है कि क्षेत्रीय सीट जहाँ जहाँ है ये कहीं ना कहीं जो है बीजेपी के इशारे पे काम करती है, और पब्लिक एक बार डिसाइड कर चुकी है कि जो सेकुलर है ये विचारधारा की, जो राहुल गांधी कहते हैं कि ये लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है, और जो कोई कांग्रेस की जीत से भिवंडी कांग्रेस को कुछ फायदा मिलेगा? देखो बिल्कुल फायदा मिलेगा, और भिवंडी कांग्रेस में भी लोगों ने पहले से मूड बना के रखा है, यहाँ भी बीजेपी को जो फायदा होता है या समाजवादी को जो फायदा हुआ है, जब भी देखिए पिछला इलेक्शन आप देख लीजिए कहीं ना कहीं हमारे वोट की फूट की वजह से उनको फायदा हुआ है। इस बार और वो जो है पार्टी डिसॉल्व हो गई, तो उसके बारे में क्या कहें? समाजवादी क्या है, वो पार्टी है किधर यहाँ पर? बस ठीक है, एक आदमी की पार्टी है, वो आता है कुछ भी बोल के जो है अपनी पार्टी चला रहा है, चल रही है वो पार्टी। बाकी कोई आप बोलोगे कि एक उसूली पार्टी, तो समाजवादी में कोई भी उसूल नाम की कोई चीज़ नहीं है। कर्नाटक की जीत के बारे में देशवासियों को ये कहेंगे कि नफरत की दुकानें बंद हो गई है और मोहब्बत की दुकानें खुल गई है, और अब पूरे देश में मोहब्बत का शॉपिंग मॉल बनेगा और मोहब्बत के बाजार लगेंगे, और यहाँ से नफरत के लोगों ने ठुकरा दिया है और मोहब्बत की जीत हुई है ये। तो ये नफरत और ये जो मोहब्बत की जो दुकान है ये भिवंडी शहर में भी चलेगा कांग्रेस के लिए? इंशाल्लाह, देखो एक झूठ होता है ना, झूठ की रफ्तार बहुत तेज होती है लेकिन मंजिल पर सच ही पहुंचता है, और ये भिवंडी में जो झूठ की एक सरकार चली है यही भिवंडी का उदाहरण लेके महाराष्ट्र की सरकार भी चल रही है, तो ये झूठ है, और जब भी चुनाव आएंगे और सच मंजिल तक पहुंचेगा, और भिवंडी में भी इंशाल्लाह कांग्रेस सत्ता में। देखा जाए कि कांग्रेस को लेकर जो है भिवंडी शहर में जो है काफी नाराजगी दिखी थी जब खास करके मेयर का इलेक्शन हुआ था, उसके बाद से लगातार 2-2.5 साल जो है कांग्रेस पार्टी को लोगों ने काफी आलोचना के घेरे में डाला था, तो अब क्या लगता है कि इस जीत का फायदा कुछ मिलेगा? देखिए जितनी गंदगी थी ना भिवंडी कांग्रेस की वो छट के निकल गई है, तलाव के किनारे चले गए, अभी जो बचे हैं बहुत निष्ठावान और बहुत मजबूत सिपाही बचे हैं कांग्रेस के, और इंशाल्लाह ये भिवंडी में रंग लाएगी, और ये जो भिवंडी के हालात आपने कहा कि जो बिगड़े थे कि इसमें भी सदाकत है, सच्चाई है आपकी, लेकिन इंशाल्लाह पब्लिक इन लोगों को ठुकरा देगी जिन लोगों ने कांग्रेस के साथ गद्दारी की। इकबाल भाई क्या कहेंगे, आपने खुद कर्नाटक का दौरा किया था और वहाँ पे आप प्रचार के लिए गए थे कांग्रेस पार्टी की तरफ से, तो कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा थोड़ा सा बताएंगे? मैं सबसे पहले
कर्नाटक की जनता को बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने, राहुल जी ने जो आह्वान किया था कि हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, उसका उन्होंने शोरूम खोल करके दिया है। और मैं शुक्रिया अदा करता हूं हमारे मानाटी के चेयरमैन ऑल इंडिया के जनाब इमरान प्रताप गढ़ी साहब का कि मुझे उन्होंने वो जिम्मेदारी दी कि मैं मैसूर लोकसभा की विराजपेट सीट पे जाकर के कांग्रेस के लिए काम किया। वो टोटल ग्रामीण क्षेत्र था, उस 2,10,000 वोट में से 18,000 सिर्फ शहर में वोट थे, बाकी ग्रामीण थे। तो जब मैं गया वहां पे लोगों से मिला तो लोगों में बहुत नाराजगी देखने को मिली बीजेपी के लिए, बीजेपी का जो अहंकार था उसके खिलाफ लोगों ने वोटिंग किया है, और कांग्रेस ने जो मोहब्बत का एक पैगाम दिया उसको लोगों ने वोटिंग किया है। 20 साल से वो विराजपेट की सीट भाजपा के कब्जे में थी, 20 साल के बाद कांग्रेस के एएस पोनन्ना जी हमारे चुनाव 5,000 वोटों से जीत करके आए हैं, और इसी तरह से जीत पूरे कर्नाटक में मिली है। ये हार भाजपा के जो अहंकार है ना उसकी है, क्योंकि उसे सिर्फ इलेक्शन जीतना होता है, जनता का दिल जीतना नहीं होता है। जो करप्शन उन्होंने किया, जो 40% का करप्शन, जिस तरीके से जनता के साथ बर्ताव, जिस तरीके से मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ उन्होंने किया, ये तमाम वहां के कंडड़ा लोग उसके खिलाफ गए हैं कि भाई ये जात पात और धर्म की राजनीति नहीं चलेगी। बहुत ज्यादा चला है, उन्होंने झूठे प्रचार किए कि सिर्फ मुसलमानों के लिए कांग्रेस काम करना चाहती है, सारे हथकंडे अपनाए, लेकिन तमाम लोगों ने मिलकर, हर जात और धर्म के लोगों ने, कन्नड़ ने, जितने थे कन्नड़ा ने, उन्होंने कांग्रेस को जिता करके बड़ी मार्जिन से जिता कर दिया जाए। हाल ही में पिक्चर रिलीज हुई थी द केरला स्टोरी, तो इसका भी काफी जो है प्रचार वहां पे किया गया, और बीजेपी को जिताने के लिए हम कहेंगे, या तो फिर हम कहेंगे एक समुदाय को जो है निशा दिखाने के लिए, तो उसका कुछ असर कर्नाटक पे पड़ा था? देखिए, उन्होंने कोशिश की बहुत कायदे से एकदम राइट टाइम पे उन्होंने फिल्म लेके आया, और ये हर बार करते हैं, ये कोई न कोई स्टोरी लेके आते हैं, झूठी स्टोरी लेके आते हैं। लेकिन कर्नाटक के लोग बहुत समझदार हैं, बहुत समझदारी उन्होंने वोटिंग किया है, इतनी एक्यूरेट वोटिंग की है कि कांग्रेस की देखिए आज 140 के लगभग सीट जीत के आ चुकी है। वो स्टोरी जो आई है केरला स्टोरी, वो एक तरह से नफरत फैलाने के लिए थी कि मुसलमान के खिलाफ दिखाया जाए और हिंदू वोट को यूनाइट किया जाए। लेकिन हिंदू ये समझ रहा है कि नौकरियां जा रही थी हिंदू की भी जा रही है ना, बुरा बर्ताव हो रहा है तो हिंदू के साथ भी हो रहा है, जंतर मंतर पर जो पहलवान बैठे हैं वो भी तो हिंदू है ना, क्या वो नहीं है? लेकिन सरकार क्या है ना, कोई उससे सवाल करता है तो उसको दुश्मन समझती है। जनता ने करारा जवाब मोदी अमित शाह और सबको दिया है। मैं धन्यवाद करता हूँ कर्नाटक की जनता को, बहुत बहुत धन्यवाद।